नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कर्नाटक के धारवाड़ से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग स्नातक महिला ने राउरकेला में जीआरपी को शिकायत दर्ज कराई है। जीआरपी के इंस्पेक्टर रंजन पटनायक ने कहा कि महिला के पास पैसे नहीं थे और वो हावड़ा जाने के लिए महाराष्ट्र के गोंदिया स्टेशन पर ट्रेन में सवार हुई थी। राउरकेला कर्नाटक के धारवाड़ जिले के 30 साल की एक महिला इंजीनियर ने आरोप लगाया है कि रेलवे पुलिस जीआरपी के एक जवान ने उसके साथ मारपीट की और छेड़छाड़ करने की कोशिश की। महिला का कहना है कि वह गीतांजलि एक्सप्रेस में फल बेच रही थी। इस मामले को लेकर उन्होंने राउरकेला में शिकायत दर्ज कराई है। कर्नाटक के धारवाड़ से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग स्नातक महिला ने राउरकेला में जीआरपी को शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांस्टेबल अजीत नायक ने शनिवार को उसके साथ मारपीट की, जिससे उनके सिर में चोट लग गई, साथ ही उसने गालियां भी दी। जीआरपी के इंस्पेक्टर रंजन पटनायक ने कहा कि महिला के पास पैसे नहीं थे और वो हावड़ा जाने के लिए महाराष्ट्र के गोंदिया स्टेशन पर ट्रेन में सवार हुई थी। पटनायक ने कहा कि राउरकेला के पास पानपोश स्टेशन पर आरपीएफ कांस्टेबल अजीत नायक ने उसे अपना टिकट दिखाने के लिए कहा, जिसके बाद विवाद हो गया। आरपीएफ कांस्टेबल ने उसे अपने डंडे से मारा, जिससे उसके सिर पर चोट लग गई और फिर राउरकेला में खून से लथपथ लड़की को जबरन उतार दिया गया। इन धाराओं के साथ केस दर्ज, जीआरपी ने कांस्टेबल नायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और लड़की की चोटों की जांच कराई। भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 506 और 354 के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी आरक्षक जमशेदपुर में आरपीएफ यूनिट में तैनात है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।